मूसा पार्क मस्जिद जुम्मा से बोलते हैं, हमारे इधर बहुत सब पानी भरा हुआ है, हमने कल रात से खाना नहीं खाया और हमारा अनाज पानी घर वगैरह सब सामान भी बिक गया है, तो मदद होगा तो ज़रूर भेजना। ये हालत है अनुषा पार्क की यहाँ पे, और लोगों के घरों में इस तरीके से पानी था कि चूल्हा अनाज का जो भी खाने का राशन वगैरह का जो सामान था वो सब भीगा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं घर की हालत कैसी है। मैं MIMC मक्तमपुरा वार्ड प्रेसिडेंट मुंजिर सैयद, और ये ऐसी सिचुएशन के अंदर ना चूल्हा सही है ना खाना बनाने की जगह है, लोग भूखे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजूर सैयद संगठन के साथियों के साथ ये जुआफरा एच वार्ड वगैरह की हालत है यहाँ पे। ठीक है, ये गटर के ढक्कन 10 घंटे से यहाँ पे सब आवाम है और संगठन के MIM के लोग हैं जो गटरा खोल के पब्लिक के लिए हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही ख़राब परिस्थिति है बराबर। और ये यहाँ तक का पानी है, यहाँ पर एक कैच पीट है जो 1.5 फुट ऊंडी है। यहाँ पे भी एक इंसान 2 साल पहले एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया था। ये सब समस्याएं हैं यहाँ की, ये गटर का ढक्कन खोल के खड़े ये भाई 10 घंटे से मेहनत कर रहे हैं ये लोग, कंप्लीट रात को सोए नहीं है, और अभी भी आप देख सकते हैं दोपहर के 2 बजे है या 1 बजा है, जो भी है 1.5 बजा है, और अभी तक ये हाल है और बहुत ही बुरी परिस्थिति है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुंजिर सैयद मक्तमपुरा वार्ड प्रेसिडेंट MIM से। ये हालत है, आपकी सोसाइटी का नाम क्या है भाई? हज़रत उस्मान हारून सोसाइटी। ये घरों की हालत है यहाँ पर, ये फ्रिज वगैरह ऊपर चढ़ा दिए हैं, यहाँ नीचे पानी था इस तरीके से पूरा। देखो ये अनाज की हालत है, सबके घरों में इसी तरीके से हालत है यहाँ पे भाई, बहुत नुकसान है। ये चूल्हा वगैरह सब खराब है, लोगों ने अपने घरों से पानी निकालने के लिए प्राइवेट पंप लगाए हुए हैं और अभी सब पानी खाली करके बैठे हुए हैं। पानी का निकाल होना चाहिए, लोगों को बहुत नुकसान होता है। ये बाबा पार्क, यहाँ पे ये मस्जिद है जुम्मा मस्जिद के पास, ये घरों में अभी पानी उतरा है लेकिन कमर तक का पानी था, आप देख रहे हैं आगे। और ये लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर, ये हालत देखिए घर की। ये पानी उतरने के बाद ये हालत है, बरसात चालू में तो ऐसा था कि पलंग ने सभी डूब गया है। अच्छी लाइन में सबका ये हाल है, सेम हाल है पूरी लाइन में, सबके घर की फ्रिज वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान सब खत्म हो गया। ये सब देख रहे हैं आप, पूरा नुकसान है घरों में लोगों के।